नमस्कार, बहुत स्वागत है बुलेटिन में आपका। 8 बजे की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं शीनम शर्मा। और सबसे पहले एक बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से, जहां पर मलाडा नाले में बादल फटने की खबर सामने आई। मलाडा पावर प्रोजेक्ट में तबाही हो गई है। इसके साथ ही आपको बता दें, डैम फटने की भी सूचना मिली है। कुल्लू के बलादी में स्कूल और घर बह गए हैं। बादल फटने से आए सैलाब में 7 लोग बह गए और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुल्लू की मलाडा घाटी, जहां पर मलाडा नाला है और इस नाले में बादल फटा है, जिसके चलते ये तबाही मची है। तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के मलाडा नाले में बादल फटने की वजह से ये तबाही सामने आई। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। तो पिछले साल भी हमने देखा था, मंडी कुल्लू का जो इलाका था उसमें भारी तबाही मानसून के सीजन में देखने को मिली थी। और इस बार मलाडा नाले की ये तस्वीरें, जहां पर भारी तबाही बादल फटने की वजह से हुई है। अब थोड़ा कम हो रहा है ना, थोड़ा कम हुआ कि नहीं हुआ? वहीं केदारनाथ के भीमबली में भी बादल फटा और भीषण तबाही मची। बादल फटने के बाद केदारनाथ यात्रा को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। भीमबली में लोगों के फंसे होने की खबर है, 200 लोगों के फंसे होने की खबर मिली है। केदारनाथ पैदल मार्ग और भीमबली में 2 पुल बह गए हैं और सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच मार्ग का कुछ हिस्सा बह गया है। भारी बारिश के चलते मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया है और सोनप्रयाग पार्किंग तक नदी का पानी पहुंच गया है और कुंड को बंद भी कर दिया गया है। इसके साथ ही रामबाड़ा में भी नुकसान की खबर है। प्रशासन की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी है। सीएम पुष्कर धामी फोन पर अधिकारियों से पल पल की जानकारी ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि कई यात्री केदारनाथ धाम में फंसे हुए हैं, तो जो यात्री केदारनाथ को जा रहे हैं उनको सुरक्षित जगह पर रुकने के लिए कहा गया है। यहाँ पर उधर नैनीताल में हम लोग साइड में रहते थे, सीसी सिस्टम जो कंपनी के साइड में गधेड़ा पुल है, गधेड़ा पुल चल रहा सिस्टम, सीसी सिस्टम कंपनी के बराबर कंपनी के बाहर पानी चल रहा, बिल्डिंग से कट के बाहर, हम लोग डर के बाहर से पता नहीं लगा हम लोग कैसे निकल के आए हैं, सब कट के उधर से रोड के बराबर पानी चल रहा, रोड के ऊपर पानी, रोड के ऊपर भी हो गया, रोड के ऊपर आ गया, हां पानी पुल भी कट गया, ये पुराना वाला पुल था वो तो कट के निकल गया है, हो सकता पुल छू रहा पानी। वहीं बादल फटने की एक खबर टिहरी से भी सामने आई, जिसमें भारी तबाही हुई है। घनसाली के जनक याली नौताड़ गदेरे में बादल फटा है। 3 शव यहां पर बरामद हो चुके हैं और इसके साथ ही बादल फटने से तबाही ऐसी रही कि घनसाली चीरबिटिया को जोड़ने वाली पुलिया बह गई। SDRF पुलिस और आपदा राहत टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। तो घनसाली के जखनियाली में बादल फटा है केदारनाथ, और ये दूसरी जगह की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। दोनों जगहों पर देखिए, टिहरी में भी बादल फटने से जो तबाही हुई, अचानक से जब बादल फटने की वजह से इस तरह की स्थिति बनती है तो टीम में सतर्क हो जाती है। प्रशासन पहले से ही काफ़ी एक्टिव मोड में था और SDRF की टीम, NDRF की टीम मौके पर पहुंची और लोगों का रेस्क्यू किया गया। तो टिहरी की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर नौताड़ गदेरे में बादल फटा और यहां पर भारी तबाही हुई है। लोगों का किस तरह से रेस्क्यू हुआ अंधेरे में, वो आप देख सकते हैं। राजधानी दिल्ली के दरियागंज इलाके में एक स्कूल की दीवार बारिश के चलते गिर गई। टूटी दीवार मलबे से आसपास खड़ी कई कारें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और ये देख सकते हैं आप तस्वीर भी। दरियागंज में कार पर दीवार गिर गई, जिसके चलते कार क्षतिग्रस्त हुई है। ग्रेटर नोएडा में तेज बारिश की वजह से जिम की छत गिर गई, जिससे वहां पर मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। हादसे में 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं।
हादसे के दौरान जिम के अंदर कम ही लोग मौजूद थे। पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायलों को मलबे से बाहर निकाला। हादसा तुगलपुर नॉलेज पार्क इलाके का बताया गया। प्रयागराज के जार्ज टाउन पुलिस कमिश्नरेट थाने में पानी भर गया। पानी भरने के बाद बारिश के चलते दिक्कतें जो पुलिस कर्मियों को आ रही थी वो और भी ज्यादा परेशान हो गए। शिकायत लेकर जो लोग थाने पहुंचे थे उनको भी पानी से होकर ही गुजरना पड़ा है। तो देख सकते हैं ये तस्वीर आप प्रयागराज की, जहां पर बारिश के बाद थाना परिसर में पानी भर गया। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि परेशानियां लोगों को हुई है बारिश की वजह से। चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। लखनऊ से अलाउद्दीन अयूब हमारे साथ जुड़े हैं, प्रयागराज से सर्वेश दुबे हमारे साथ जुड़े हैं, नोएडा से हिमांशु शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले लखनऊ राजधानी का रुख करते हैं, अलाउद्दीन के पास में आना चाहूंगी। अलाउद्दीन, लखनऊ में हमने देखा विधानसभा परिसर का जो निचला हिस्सा है वहां पर भी पानी भर गया, वो तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखाई। उसके अलावा भी पूरे शहर में किस तरह की दिक्कतों से दो चार होना पड़ा लखनऊ वासियों को, जरा बताइएगा। जी हाँ बिल्कुल, कल जब 12:30 से बारिश शुरू हुई थी तो इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था कि शहर में इस तरह के हालात हो जाएंगे। जो एमिनिटीज की सुविधा देने वाले जो संस्थान थे उनके दफ्तरों में खुद पानी घुसा हुआ था। नगर निगम की बात कर लें, कलेक्ट्रेट का जो मुहाफिज खाना था यानी रिकॉर्ड रूम जो था उसके अंदर पानी घुसा हुआ था। बात करें मेयर के आवास के बाहर की, वहां पर पानी चल रहा था। पौश इलाका, गोमती नगर हो, इंदिरा नगर हो, विकास नगर हो, इन तमाम इलाकों में घुटनों भर से ज्यादा पानी जो है चल रहा था। इसके अलावा बहुत सारी जगहों पर कार डूबी हुई नजर आ रही थी, कई जगहों पर क्रेन्स को आकर के टो करना पड़ा, कारों को उठा करके लेकर के गई। तो इस तरह के हालात राजधानी लखनऊ में कल बने हुए थे। हालांकि उस बारिश की आफत से आज थोड़ी सी जो है राजधानी लखनऊ में स्पेशली राहत है, लेकिन आसपास के जो इलाके हैं वहां के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। बात करें राजधानी लखनऊ से सटे हुए इलाके हरदोई की, बलिया की, सिद्धार्थनगर की, उन्नाव की, बाराबंकी की, इन तमाम इलाकों में रेड अलर्ट घोषित है। और ये कहा गया मौसम विभाग की तरफ से न सिर्फ तेज बारिश बल्कि इन तमाम इलाकों में बिजली भी गिरने की या कड़कने की उम्मीद जताई गई है। तो ऐसे में तमाम लोग जो घरों से बाहर निकलने की सोच रहे हो, घरों से बाहर ना निकले, आज के लिए अलर्ट जबरदस्त मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तो आप इस बात को मान के चलें कि राजधानी लखनऊ में जिस तरह विधानसभा परिसर में घंटों उहापू के हालात बने रहे, पानी साफ करने के लिए मशीनें जो है मंगाई गई, नगर निगम के लोगों को लगातार कवायद करनी पड़ी, तो कल की बारिश की वजह से जिस तरह के हालात खासतौर से शहर में दिखे उससे बात पता चलती है कि इंतजाम न सिर्फ नाकाफी थे बल्कि आसपास के इलाकों में आज जिन जिलों में अलर्ट जारी किया गया वहां के लोगों को भी न सिर्फ सतर्क रहना है। बिल्कुल, यानी कि लोगों को कहा गया है कि अलर्ट रहे क्योंकि कभी भी भारी बारिश हो सकती है जैसा कि कल हुआ। नोएडा से हिमांशु शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, नोएडा में किस तरह से लोगों को समस्याओं से दो चार होना पड़ा, आपके पीछे हम देख पा रहे हैं कि पानी ही पानी हर तरफ नजर आ रहा है और गाड़ियां भी रेंग रेंग कर चलती नजर आ रही है, ट्रैफिक पर किस तरह से असर पड़ा है नोएडा में पानी की वजह से? देखिए, जाहिर तौर पे आपको बता दें कि कल जिस तरीके से तेज बारिश हुई है उसके बाद उमस से राहत मिली, लेकिन जलभराव और साथ ही ट्रैफिक समस्या, इन दोनों से शहरवासियों को दो चार होना पड़ा है। इस समय हम नोएडा के जो नोएडा अथॉरिटी का नया ऑफिस बन रहा है, करोड़ों रुपए की लागत से बन रहा है, ठीक उसके सामने बख्तावरपुर गांव है, ये बख्तावरपुर अंडरपास कहा जाता है। और आप इसकी स्थिति देखिए किस तरीके से, यहाँ तीन तीन चार चार फीट पानी है, एक इलेक्ट्रिक वाहन है जो पूरी तरीके से फंस गया, बंद हो गया और गाड़ी छोड़ के वाहन चालक जा चुका है। इसके अलावा आप अंडरपास की स्थिति देखेंगे किस तरीके से साइकिल के जो चालक हैं वो खींच रहे हैं गाड़ियां, उसके अलावा जो दोपहिया वाहन है वो आधा आधा डूबा हुआ है पानी में, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि लोगों को ऑफिस जाना है, लोगों को स्कूल जाना है, लोगों को कॉलेज जाना है, गार्ड को नौकरी पर जाना है, इन तमाम लोगों को जूझना पड़ रहा है। और देखिए हास्यास्पद ये है कि करोड़ों रुपए की लागत से ये सब तैयार किया जाता है, अंडरपास तैयार किए जाते हैं, शहर में कई अंडरपास हैं और इस तरीके के जब अंडरपास तैयार किए जाते हैं एक आम आदमी का पैसा लगता है, जो टैक्स भरता है उसका पैसा लगता है, जो एक आम आदमी बात भी करता है, और उसके बावजूद इस तरीके की दिक्कतें देखने को मिलती है। पूरा शहर कल चक्का जाम था, एडिशनल सीपी सड़कों पर थे और रात में 12 बजे के बाद नोएडा अथॉरिटी ने सकिंग मशीन लगाई थी जिनसे पानी खींचा जा रहा था। आपको बता दें कि सेक्टर 18, सेक्टर 37, 14, DND फ्लाईओवर, इसके अलावा जो पॉश एरिया था सेक्टर 14,
और जो सेक्टर 62 मॉडल टाउन है, एक्सप्रेसवेज, अंडरपास की पीछे की तस्वीर एक बार फिर से दिखाते हैं। हम देखिए किस तरीके से एक बुजुर्ग हैं, वो साइकिल से यहाँ पे फंसे हुए दिखाई दिए और अब जो है साइकिल खींच रहे हैं पैदल। तो जाहिर तौर पे दिक्कतें बहुत हैं और जिस तरीके से दावे वादे किए जाते हैं, मानसून की तैयारी की जाती है, मानसून की तैयारी में भी लाखों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, मानसून आता है तो प्रशासन के दावों की पोल खुलकर सामने आ जाती है, क्योंकि पहले खूब दावे किए जाते हैं कि पूरी तैयारी मानसून को लेकर कर ली गई है, लेकिन जल निकासी के इंतजाम बाद में नजर नहीं आते। प्रयागराज अपने दर्शकों को लिए चलते हैं, सर्वेश दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, प्रयागराज में भी देखा गया कि थाना परिसर पानी पानी हो गया, यानी कि जो सरकारी भवन है उनके अंदर ही इस तरह से पानी पानी नजर आया, तो बाहर के हालात तो कुछ अलग नहीं हो सकते। सर्वेश जरा बताइएगा प्रयागराज में किस तरह की समस्याएं लोगों को आई। देखिए मैं बता दूं आपको कि बुधवार को मानसून की पहली तेज बारिश हुई है और उस बारिश में ही शहर के जो तमाम जो नगर निगम के दावे थे बारिश से निपटने के इंतजाम, वो सब उसकी पोल खुल गई है और थाने में, जाट टाउन थाने में पानी भर गया। इस वक्त वहां पर पानी निकल गया है, लेकिन मैं उस सड़क को दिखाना चाहूंगा जो थाने से चंद कदमों की दूरी पर है और यहां पर अभी भी कई फीट पानी भरा हुआ है। कल तो यहां पर 3 से 4 फीट पानी था, लेकिन अभी भी जो लोग अपने घरों में जा रहे हैं वो कार से या बाइक से जा रहे हैं, तमाम दिक्कतें हो रही हैं। और ये उस शहर का हाल है जबकि स्मार्ट सिटी में शामिल है, करोड़ों रुपये खर्च हो चुके हैं और जनवरी 2025 में महाकुंभ का आयोजन होना है जिसमें करोड़ों लोग आएंगे। हमारे साथ एक यहाँ रहने वाले भी व्यक्ति हैं, क्या नाम है आपका और किस तरह की दिक्कतें यहाँ पर कल पेश आई थी? मेरा नाम अमन भरद्वाज है, मैं यहीं का कीड़ीगंज निवासी हूँ और सबसे बड़ी दिक्कत तो इसमें आ रही है, आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है जल भराव की वजह से। और सरकार स्मार्ट सिटी प्रयागराज चूंकि स्मार्ट सिटी के अंडर में आता है 2025। ठीक है, आप लोगों से बातचीत करते रहिए। सर्वेश, कहने का भाव ये है कि समस्याएं सभी को आई लेकिन सरकारी भवनों के अंदर भी पानी भरना हैरान करता है कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं मानसून से पहले। बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सहयोगियों का। आगे बढ़ते हैं लखनऊ से अगली खबर। लड़की से बदसलूकी के आरोप में पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। कुछ लोगों ने होटल ताज के पास बारिश के पानी में हुड़दंग मचाया था और मनचलों ने युवती से छेड़खानी कर बाइक को पानी में गिरा दिया था। और इस बीच आरोप ये भी लगा कि लखनऊ पुलिस ने हुड़दंगियों के खिलाफ हल्की धाराओं में FIR भी लिखवाई। FIR में बाइक पर बैठी युवती से छेड़खानी का जिक्र तक नहीं किया गया। FIR में छेड़खानी के बजाय बारिश के गंदे पानी से संक्रमण का जिक्र किया गया है। गोमती नगर के दारोगा ऋषि विवेक ने FIR लिखवाई है जिसमें 15-20 अज्ञात लड़कों को आरोपी बनाया गया है। गोमती नगर पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर अन्य आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। तो देख सकते हैं ये वीडियो फुटेज जो इस वक्त वायरल हो रहा है, बदसलूकी का आरोप यहां पर लगाया गया लेकिन पुलिस पर आरोप लगे हैं कि पुलिस ने हल्की धाराओं में ही मामला दर्ज किया है।